मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हो रही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चेतना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को प्रशिक्षण के माध्यम से अपराधियों के विरुद्ध कैसे आत्मरक्षा व अपराधियों के हौसले को खत्म करने के गुण सिखाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जबलपुर के स्कूलों में भी पुलिस के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने मॉडल हाई स्कूल में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देते हुए आत्मरक्षा के गुण सिखाए। साथ ही इस दौरान ऐसे लोगों के प्रति जो लोग बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं उसको लेकर महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए ऐसे समय में क्या करना चाहिए विस्तार से छात्र छात्राओं को बताया गया, जिससे बच्चे खुद भी सुरक्षित रहे और प्रशिक्षण लेकर अन्य बच्चों को सुरक्षित रहने के गुण सिखा सके, जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हो सके और आपराधिक गतिविधियों में रोक लगे। हम लोगों को पता है कि गर्ल्स अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकती हैं। जब हम स्कूल से आते हैं मोस्टली हमें स्ट्रेंजर्स मिलते हैं तो उनसे हमें बात नहीं करना, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ कि वीक ऑर्गन में उनको अटैक करना, जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी स्कूल में हमारी टीचर्स भी इस बारे में हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं और हमें बहुत कुछ बताया जाता है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रॉन्ग टच के बारे में भी हमें यहाँ आज बताया गया। कैसा लगा? मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, इवन बॉयज़ के लिए भी, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में सिर्फ गर्ल्स नहीं बॉयज़ के साथ भी गलत होता है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़रूरी है, ये होना चाहिए हर जगह हर स्कूल में। मेरा नाम सिद्धि जैन, 9th class D। ये यहाँ पर आज प्रशिक्षण दिया गया है बच्चों को, किस तरीके से ये प्रशिक्षण दिया गया है? ये मध्य प्रदेश जो महिला सुरक्षा है उनकी तरफ से जो है ये एक अभियान चला है, चेतना अभियान, जिसमें बच्चों को मानसिक शारीरिक और उनको जो है समाज के लिए जो है एक इस स्थिति पे पहुंचाना कि वो हर एक कंडीशन से ये जो क्राइम बच्चों के साथ हो रहा है उसमें कैसे अपने आप को जो है समाज में अपने साथ साथ अन्य व्यक्तियों के लिए या अन्य बच्चों के लिए भी जो है एक मिसाल बने। तो उनको कुछ ऐसे टिप्स बताए गए हैं कि कैसे उनके साथ जो है घटना घटे तो उनको बचना, जैसे मानव दुर्व्यापार, महिला संबंधी कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे उनको समझाया गया है और उनको बताया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत अपने पेरेंट्स, अपने टीचर और पुलिस को जो है इन्फॉर्म करके उनको बताएं और आप जो है इस बड़ी घटना से बच सकते हैं, उसके साथ साथ समाज के अन्य बच्चों को भी ये चीज़ बता के और पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको बचाया जा सकता है। तो इसके तहत हम लोग जबलपुर के कई स्कूलों में जाके अलग अलग तरीके से अभियान चलाएं, उनको असली हीरो, सुनहरे पंख और कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनके तहत बच्चों को अवेयर कराया गया है कि ये जो घटनाएं होती हैं और किस तरीके से उनसे जो है हम अपने समाज में आरोपियों को पुलिस के हवाले कर सकते हैं और असली हीरो की भूमिका निभा के समाज में एक अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है दिखा सकते हैं। कितने दिन ये चलेगा? ये नवरात्रि जो है नारी तुम शक्ति हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है नवरात्रि पे लाया गया, जिसके तहत जो है जिस तरीके से नवरात्रि में जो है नौ देवियों का एक रूप होता है जिसमें शक्ति होती है, उसी तरीके से नवरात्रि का पूरा जो टाइम है पूरे 9 दिन के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, सभी थानों में जो है महिलाओं द्वारा बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर आकांक्षा सिंह, थाना GRP जबलपुर। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।